आराम से आराम से। क्या होगा शादी का, सब सामान तोड़ दिया, कैसे होगी शादी, क्या पता किस किस तरह करे आदमी, किस तरह तो मौलाना साहब उन्होंने मुझे बताया कि मदरसे के अंदर ही थे बच्चों के, अचानक पुलिस अंदर आई, बेरहमी से मारा पीटा है, हाथ टूटा हुआ है, टांगों में फ्रैक्चर हो रहा है, तमाम मतलब चोटें हैं पूरे शरीर पे, चल रहा है मेरे काफी बच्चों को लेके जेल में डाल दिया है, उसमें से कुछ बच्चे रिहा हुए हैं, कुछ बच्चे अभी पूरे माइनर्स भी थे वो भी जेल में, और दूसरी जगह जहाँ मैं गई नूर मोहम्मद की बहुत बहुत ही दर्द, वो बेचारी 22 साल की लड़की है, 7 महीने प्रेग्नेंट है, उसका एक छोटा सा 1.5 साल की उसकी एक बच्ची है, एकदम अकेली, कुछ हेल्प कांग्रेस की तरफ से भी हो, हम कोशिश तो पूरी तरह से करेंगे, जहाँ जहाँ न्याय हुआ है आगे लगा, कुछ लखनऊ में भी गए, खराब हो रहा है कई जगह गए, जहाँ जहाँ न्याय हुआ है वहाँ हम जरूर खड़े रहेंगे, और हम जरूर सरकार को क्या करें, किसकी कमी रहेगी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, इतने बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है, आपने देखा होगा कि मैंने राज्यपाल महोदय को बहुत लंबी चिट्ठी भेजी है, उस चिट्ठी में सारी डिटेल है, इन केसों के भी डिटेल है, उसमें सारी डिटेल है कि पुलिस ने किस तरह से मारा है, पीटा है, बेवजह बेवजह, देखिए वजह होती है, किसी ने कुछ किया है तो पुलिस कार्रवाई ले, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जहाँ पुलिस घुसकर मारपीट कर रही है, वो जो लड़की जिसकी शादी होने वाली है, वो बेचारी उसकी शादी होने वाली थी, शादी का जो भी सामान था वो भी तोड़ फोड़ कर दिया, उसके यहाँ 16 स्टिचेस हैं उसके माथे पे, उसकी 2 दिनों में शादी होने वाली थी, तो इस तरह की चीज़ पुलिस घर के अंदर घुसी है, इस तरह की चीज़ तो अभी तक मतलब पुलिस का काम क्या है, जनता की सुरक्षा और न्याय दिलाना, यहाँ तो उल्टा हुआ है, तो जहाँ जहाँ उल्टा हुआ चल रही है, उसके जहाँ जहाँ गलत काम किसी को नहीं करना चाहिए, नहीं